very Sharike Hayat, Kanika Vajpayee ji. She is a co-producer, and whatever we have produced in our life, we have co-produced. Smita ji, kahan hai? Prakash Arekar, thinker, MMB, MMA. And our two leading directors, Mr. Smita ji, aaiye. Yes, yes. Aapka intezaar hai. Anil Tipne saab, Sudhir Borwankar saab, Gadkari saab. Hamari film ko publicize karne wale, hamare permanent publicist, hamari life ke publicist, Aslam Khan saab, aur dusre Shabir bhai. Shabir bhai, aaiye upar aaiye. Upar aaiye. Shabir bhai. Atim bhai kahan hai? Atim bhai kahan hai? Gumchand. और वो पहले पार्टीशन के पहले शेखुपुरा पाकिस्तान में रहते थे और जो इस फिल्म की कहानी है वो घटना उन्होंने अपने आंखों से होती देखी है अपने नेबरहुड में तो एट दैट टाइम उनके दिमाग में ये चीज़ आई कि कभी इस चीज़ के को हाईलाइट करना चाहिए कि बड़ी अनजस्टिफाइड चीज़ थी फिर वो इंडिया आए जब जहाँ पे उनके परम मित्र थे लेट पंडित रेजी शरण शर्मा उन्होंने इसको एक नॉवेल का रूप दे दिया बट इट वाज ऑलवेज एट द बैक ऑफ माइंड ऑफ लेक जी टू फिल्म दिस सब्जेक्ट वो इतने बड़े डायरेक्टर बन गए प्रोफेसर आम्रपाली झुग्गी आसमान अगर तुम न होते दुल्हन वही जो पिया मन भाए एक बार फिर प्रिंस वगैरह 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 इतनी कमाल फिल्में बनाई और ये इच्छा उनके मन में रह गई उसके बाद उन्होंने 25 टेलीविज़न सीरियल 15 फिल्में ये सब इतना बड़ा करियर और एंड में उन्होंने मुझसे कहा कि देखो भाई ये सब्जेक्ट रह गए और मेरी पत्नी ने मुझसे कहा था कि अब सीरियल मत बनाना जब आना तो एक फिल्म बना के आना और ये फिल्म बन गई और शूटिंग ख़त्म हो गई अनफॉर्चुनेटली वो हमारे बीच नहीं रहे तो ये था इस वजह से ये बनी ये असली कारण है इस फिल्म के बनने की फिर इसके पीछे रिसर्च की तो बिकॉज एक्चुअली बहुत से लोग बहुत से मुस्लिम महिला इस चीज़ को बिकॉज एक रिलीजियस सेंटिमेंट से आए तो कुछ चीज़ पर मानते हैं कि नहीं दिस इज राइट देर शुड बी नो इंटरफेरेंस एक्चुअली एंड देर आर फ्यू हु आर द विक्टिमाइज्ड एक्चुअली यू नो हर एक का पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग होता है जो हाँ वही हमारी फिल्म का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि वी हैव टू डू अवे विद व्हाट एवर इज गोइंग ऑन और जो नूरजान जी ने बताया है कि एक फ़ोन आया मौलवी कहता है कि तुम्हारे मियाँ ने तुम्हें 3 तलाक दे दिए हैं और कोई रिश्ता नहीं रहा दूसरी को आया बेचारी को शी मिस कैरी अब इससे ज़्यादा कैसे समझ सकता है या कैसे समझाए आदमी उनको कि ये गलत जो ये प्रेवलेंट है रूल यह गलत है आपको सामने नहीं पता लगता ये गलत है जी जी फरमाए जो कोई लोग प्रैक्टिस कर रहे दैट इट डजंट रियली मीन कि व्हाट ही इज प्रैक्टिसिंग इज राइट और रॉन्ग हां बट दैट्स व्हाट आई एम सेइंग इफ द पर्सन हैज टू अंडरस्टैंड मेरी जान वही मैं बोल रहा हूं कि डिसेंट वॉइस को हमेशा सुनना चाहिए आज तक जो भी तरक्की हुई है या जो भी सही हुआ है वो डिसेंट वॉइस को सुनकर हुआ है डिसेंट वॉइस को दबाकर नहीं हुआ देखिए इसका कोई रिलीजियस कोनोटेशन है ही नहीं और ये फिल्म में बहुत क्लियर तरीके से दिखाया गया है कुरान शरीफ में एक सूरह बकर है कुरान शरीफ में 3 तलाक का जिक्र नहीं है सूरह बकर में जैसा इनका डायलॉग था जीविदा का फिल्म में ये कहा गया है कि अगर इररिकंसाइलेबल डिफरेंसेस आ जाएँ तो इस चीज़ को रिजॉल्व किया जाए बाई म्यूचुअल कंसेंट उसका जो अरेबिक है वो मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि आपकी समझ में शायद नहीं है शरीयत वाज मेड आफ्टर कुरान शरीफ शरीयत बनी शरीयत में भी 3 तलाक नहीं है उसमें 2 तलाक उसका एक पूरा प्रोसीजर दिया गया है कि भाई 3 महीने आप पहला तलाक देने के बाद 3 महीने आप मौका दीजिए और सुलह सफाई कार्रवाई नहीं होता है तो फिर 3 महीने और दीजिए जब ये इस्टेब्लिश हो जाए और बाई म्यूचुअल कंसेंट दोनों मियाँ बीबी की रजामंदी से तब तलाक प्रोनाउंस किया जाए तो उसका यहाँ पर हैं सलीम भाई उनको लफ्ज़ भी याद हैं
कि दो ही तलाक होते हैं, तलाक रजई कहते हैं, पहली तलाक जो होती है उसको तलाक रजई कहते हैं, और जो तलाक होती है वो पहले पहला शर्त ये है कि दोनों में सुलह सफाई की जाए, आपस में कहा जाए, शौहर अपनी बीवी से कहे कि भाई मुझे आपकी ये गलतियाँ हैं, ये गलतियाँ आप सुधार लो, उसके बाद भी अगर नहीं मानती है तो बातचीत बंद कर दे, बातचीत बंद करने के बाद भी अगर नहीं मानती है तो बिस्तर अलग अलग कर ले। उसके बाद चौथी शर्त ये है कि दोनों तरफ के लोग उसको समझाएं कि लड़की वाले भी और लड़के वाले भी कि भाई ये गलत बात है, तलाक देना गलत बात है, आप दोनों एक दूसरे को समझो। यही प्रोसीजर है, ये प्रोसीजर है, लेकिन प्रोसीजर पे कोई चल नहीं रहा है। नहीं, उसकी वजह ये है कि देखिए, भगवान ने, अल्लाह ने, जीसस क्राइस्ट ने, किसी ने भी कोई अपॉइंटमेंट लेटर किसी को नहीं दिया है कि आप सेल्फ अपॉइंटेड एजेंट ऑफ गॉड है। आपने अपने आप को तकसीम कर दिया कि साहब हम फला फला हैं, और आपने फतवे जारी करना शुरू कर दिया, जो सरासर गलत है। और यही डॉक्टर नूरजहां कह रही थी। और उसके बाद बनाया इंसानों का, उसके बाद दूसरी तलाक के बाद, दूसरी तलाक के बाद औरत दूसरी शादी कर सकती है, उसको तीसरी तलाक की जरूरत नहीं है, दूसरी तलाक के बाद। और अगर कुछ सालों के बाद पहला शौहर उसे वापस लेना चाहता है तो ले सकता है, तीन तलाक नहीं हुई जी, ये है उसका जो रियल। यू क्लेरिफाइड दैट वेरी गुड, लाइक आई जस्ट बट वी हैव वी कैरेक्टर तो जी, आपके कैरेक्टर के बारे में कुछ लेट मी आल्सो क्लेरिफाई वन मोर थिंग बिफोर कंवर जी साहब से, कि ये चीज पिक्चर में दिखाई गई है, दिस इज द फोकल पॉइंट ऑफ द नैरेटिव ऑफ द फिल्म। कुछ जी सर, आपके कुछ किरदार के बारे में बताना चाहोगे, किस तरह का किरदार है, व्हाट आर यू प्लेइंग, व्हाट्स द कैरेक्टर? I am one of the positive roles that I'm doing. और ये लड़की जो सताई हुई है बेचारी because of तीन तलाक, उसको accept करता है, और उसके बाद क्या होता है मैं नहीं बताना चाहूँगा, because वो फिल्म जाके देखें लोग, है ना, तो वो फिर उसी मोड़ पे जो है उसका भी एक वो है राज, या कहिए कि वहाँ कहानी कैसे पहुँचती है उसी मोड़ पर, तो वो भी लोग वहाँ पे जाके देखेंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। एक नूरजहान जी के ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैं ख़ास तौर से ये पढ़ना चाह रहा हूँ एक नज़्म जिसका उन्वान है औरत, और ये नूरजहान जी के लिए, आपकी सब महिलाओं के लिए, कैफी साहब की नज़्म, कैफी साहब की नज़्म है, और इसका नाम है औरत। उठ मेरी जान, मेरे साथ ही चलना है तुझे, जिंदगी जहद में है, सब्र के काबू में नहीं, नब्ज़ हस्ती का लहू कांपते आंसू में नहीं, उड़ने खुलने में है निखत, खमे गेसू में नहीं, जन्नत एक और है जो मर्द के पहलू में नहीं। उसकी आज उसकी आज़ाद रविश पर भी मचलना है तुझे, उठ मेरी जान, मेरे साथ ही चलना है तुझे, कदर अब तक तेरी तारीख ने जानी ही नहीं, तुझ में शोले भी हैं बस अश्क फिशानी ही नहीं, तू हकीकत भी है दिलचस्प कहानी ही नहीं, तेरी हस्ती भी है एक चीज जवानी ही नहीं, अपनी तारीख का उन्वान बदलना है तुझे, उठ मेरी जान, मेरे साथ ही चलना है। आपके किरदार को लेकर जाना चाहूँगी, किरदार को निभाते किस तरह का अनुभव, और क्या कुछ आपने जाना इस फिल्म के माध्यम से? जैसे कि अभी नूरजहां जी ने बताया कि कितनी एक आयरनी है एक औरत की, कि उसको ये सजा दी जाती है कि शी इज़ अ वूमन। तो मैंने जब ये किरदार निभाया था और हम लोगों ने जिस तरीके से इस पर बात की थी, हम लोगों ने लेख जी के साथ बैठे थे, हम सब ने सब काम स्टार्ट किया था, तो उसको समझने में मुझे बहुत टाइम लगा, क्योंकि हम लोग क्या है आज के ज़माने में, हम इंडिपेंडेंट हैं, हम लोग अपने हिसाब से हम काम करते हैं, हम अर्न करते हैं, वी इंडिपेंडेंट, वी नो हाउ टू यू नो कैसे रहना है। बट एक उसी समाज में जहाँ हम रहते हैं, जैसे हम जैसी औरतें हैं, उसी समाज में एक ऐसी भी औरतें हैं, एक ऐसा भी ग्रुप है, एक ऐसी भी लेडीज़ हैं जहाँ पर उनको ये हक नहीं दिया जाता, ये उनको जीने का हक नहीं दिया जाता है, उनके उनके ऊपर इतना सब कुछ किया जाता है। इट वॉज जेन्यून, इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टास्क फॉर मी, क्योंकि हमने ऐसा कभी हमारी परवरिश हुई नहीं है, हमारी परवरिश हमारे माँ बाप ने हमें बहुत इंडिपेंडेंट रखा है, बहुत खुली सोच कर रखा है, बट बिकॉज ऑफ लेख जी और हम सब की मेहनत, हमारे सपने, हमने जो काम किया फिल्म में, हम लोगों ने बातें की, हम लोगों ने वीडियोज़ देखे, हम लोगों ने कहानियाँ पढ़ी,
जैसे अभी उन्होंने बताया कि वो कितना एक फ़ोन पे एक तलाक दे देते हैं, फ़ोन पे आपको डिवोर्स मिल जाता है, ईमेल से आपका डिवोर्स आ जाता है। मतलब आज के ज़माने में हम मिलेनियल किड्स और मिलेनियम में हम जी रहे हैं, वहाँ पे ये सब होना आई डोंट थिंक सो, इट्स जनरली हमारी कंट्री में नहीं होना चाहिए। बाकी जो जितने भी हमारी 22 मुस्लिम कंट्रीज हैं, जब वहाँ पे कोई लॉ नहीं है, जब वहाँ पे बाय इंडिया, हमारा इंडिया शुरू से हमारा, बिकॉज हमारा हिंदुस्तान ऐसा रहा है कि वहाँ पे सब धर्मों को एक ही जगह दी गई है, हर इंसान को उतनी इज्जत मिली है, तो वहाँ यहाँ पे क्यों? सो दिस इज मे बी वी आर फाइटिंग फॉर दिस बिकॉज मतलब वी आर ट्राइंग टू शो अपनी फिल्म के थ्रू कि प्लीज़ जस्ट गेट अप, रेज योर वॉइस, वुमेन रेज योर वॉइस, और नूरजहान जी के ग्रुप्स के लिए बहुत बड़ी यू नो आप लोगों के लिए बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन आप लोगों के लिए, बिकॉज ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि ये सब करें। सो आई एम रियली प्राउड ऑफ इट कि मैंने एक ऐसी फिल्म करी है जहाँ पर मैंने कोशिश करी है बींग अ वूमन, बींग कि मैंने कोशिश करी है कि मैं एक क्वेश्चन उठाने की कोशिश करूँ कि प्लीज़ स्टॉप इट। जब इस तरह की कहानी तीन तलाक, जब इस तरह की स्टोरी सुनने को मिलती है तो ही बड़ा अजीब फील होता है कि किसी के साथ ऐसा हो, लेकिन जब आपको इस स्टोरी की तरह आपको इस किरदार को ही जीना था, उस किरदार को निभाना था, तो कितना चैलेंजिंग था आपके लिए? नहीं, बहुत चैलेंजिंग था, बिकॉज मैंने आपको बताया जैसे कि भाई हम बहुत ही इंडिपेंडेंट समाज में रहे हुए हम लोग हैं, हमारे परवरिश वैसी हुई है, हम लोग शुरू से वर्किंग लेडीज़ रहे हैं, हम लोग काम करते हैं, चैलेंजिंग था, बट डेफिनेटली उसकी बहुत उसकी हम लोगों ने बहुत सारे यू नो वर्कशॉप्स किए हैं उसके लिए, काफ़ी कुछ देखा है मैंने, काफ़ी कुछ पढ़ा है उसके बारे में, काफ़ी कोशिश करी है इस्लाम के बारे में पढ़ने की, और काफ़ी कोशिश करी कि ये लॉज क्या होते हैं, क्यों ये लॉज बनाए गए हैं, और मैंने अपना आई हैव ट्राइड माय बेस्ट कि मैं आप सबकी उस पर खड़ा उतरूँ, आई हैव ट्राइड माय बेस्ट, बाकी लेट्स सी फिल्म। तो 8 मार्च को फिल्म रिलीज हो रही है, अगर दर्शक फिल्म देखने जा रहे हैं तो किस माइंड से जाएंगे, क्योंकि फिल्म जब देखने जाते हैं एंटरटेन को लेकर, लेकिन एक मैसेज फिल्म है, तो इस फिल्म को देखने अगर ऑडियंस जाती है तो क्यों? देखिए हमारा बहुत आई थिंक इट्स अ वेरी रेलिवेंट टाइम जिस पर हम लोग ये फिल्म रिलीज कर रहे हैं, और थैंक्स टू प्रोड्यूसर्स क्योंकि उन्होंने बहुत ही अच्छा दिन लिया है वुमेंस डे का, सो इट्स लाइक वुमेंस डे 8th of March एंड पूरे यू नो वर्ल्ड में इंटरनेशनली बनाया जाता है दिस वुमेंस डे, एंड तो मैं ये चाहूँगी सबसे कि प्लीज़ आप थिएटर्स में जाके इस फिल्म को देखिए, इसको फिल्म को जस्ट एक इट्स नॉट जस्ट अ फिल्म, इट्स अ सोशल कॉज, डेफिनेटली एक सोशल कॉज को हमने दिखाने की कोशिश करी है, और वुमेंस डे है तो प्लीज़ हमारी सारे वुमेन को है आप ज़रूर देखे जाइए। హలో మిమ్మల్ని యోయో టీవీ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకున్నారా? ఇంకా లేదా? మీ యాప్ స్టోర్కి వెళ్ళి వెంటనే డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. ఈ వీడియో గనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.